बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। किसी अज्ञात व्यक्ति ने चलती बस पर पत्थर फेंक दिया। बस के शीशे पर पत्थर लगने से बस में सवार केसलापुरी निवासी उर्मिला अशोक मुर्के उम्र 48 वर्ष घायल हो गई। बस क्षतिग्रस्त हो गई। अडाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पौनी पुलिस ने अवैध रूप से डंपिंग किए गए रेत को टिप्पर में चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पौनी पुलिस ने चालक शिवनाला निवासी अनिल उदाराम सिंधी मेशराम उम्र 26 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हनुमान मंदिर में रखी दान पेटी के चोरी के प्रयास की घटना सामने आई है। उक्त घटना 5 दिसंबर को दिघोरी स्थित हनुमान मंदिर में सामने आई। इस घटना में मंदिर के घनश्याम मिश्रा उम्र 55 वर्ष नामक पुजारी की शिकायत पर दिघोरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम पाशिवनी निवासी आकाश सुरेश राउत उम्र 26 वर्ष है। लाखनदूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऑटो में बैठते समय चक्कर आने से गिरने पर उन्हें नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम परसोडी निवासी संजय सुखदेव कावले उम्र 53 वर्ष है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर घायल करने की घटना धारगांव में घटी। रेंगे पार कोठा निवासी युगांत सिद्धार्थ कोचे उम्र 29 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में प्रसव के बाद डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही से महिला की मौत होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सोमवार रात अस्पताल में मृतक के शव के सामने बैठकर आंदोलन किया। मृतक का नाम भोसा टाकली निवासी प्रतीक्षा अनिकेत उके है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।